चलिए पढ़ते हैं क्या है ये बुक्स और इनके नाम सो यर दस्ट वन इज एटले सो आप देख सकते हो एटलेस बुक में क्या बना हुआ है अर्थ बना है सो एटलस इज एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स आपने मैप्स देखे होंगे इंडिया का मैप या अफ्रीका का मैप तो ये जो सारे मैप्स होते हैं वो कहाँ पे इकट्ठे करके बुक बनाई गई है जिस बुक को हम कहते हैं एटलस एन एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स विथ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन तो इसमें उस मैप से जरूरी जो रिलेटेड uh, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में होती है नेक्स्ट कम्स द टेक्स्ट बुक यस टेक्स्ट बुक बुक जो आप पढ़ते हैं, जैसे आपकी जी के बुक अ टेक्स्ट बुक इज अ कोर्स बुक दैट यू स्टडी इन अ स्कूल ये कोर्स बुक होती है जिसे आप स्कूल में पढ़ते हैं नेक्स्ट कम्स द न्यूज पेपर A newspaper is a sheaf of papers that provide us with the latest news about our country and the world. So ये जो newspaper है, ये बहुत सारे papers को इकट्ठा किया जाता है, जो क्या करते हैं हमें जो भी latest news होती है, उसके बारे में बताते हैं, जो हमारे या तो country के बारे में होती है, या फिर world के बारे में होता है. Next comes the encyclopedia. so an encyclopedia is a treasure house of information. Encyclopedia mein bahut sari har tarike ki information आपको मिल जाएगी. Arranged in an alphabetical order, जिसे alphabetical order mein रखा जाता है A से लेके Z तक आपको यहाँ पे जो भी information चाहिए वो A से start होती है और Z तक खतम होती है. So encyclopedia is a treasure house of information. नेक्स्ट कम्स टेलीफोन डायरेक्टरी सो चिल्ड्रन डू यू नो जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो क्या हुआ करते थे टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करता था जिसमें जो है जितने भी फोन नंबर हैं वो कहीं के भी फोन नंबर हो सकते हैं वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर के हो सकते हैं वो सारे फोन नंबर आपको इस टेलीफोन डायरेक्टरी में मिलते थे टेलीफोन डायरेक्ट्री प्रोवाइड टेलीफोन नंबर्स ये जो टेलीफोन डायरेक्ट्री है इसमें टेलीफोन नंबर्स होते हैं एंड एड्रेस ऑफ पीपल और लोगों का एड्रेस होता है इन एन एल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सर नेम्स सो यहाँ पे जो भी नेम्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं सर नेम स्को के ऑर्डर में रखे जाते हैं सो so, जिसका सरनेम ए से शुरू है वो पहले आएगा और जिसका जी से वो बाद में मैगजीन सो मैगजीन इज अ थिन बुक बहुत ही पतली सी बुक होती है ये दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है नेक्स्ट द लास्ट वन इज स्टोरी बुक अ स्टोरी बुक कैन कंटेन वन लॉन्ग स्टोरी और मेनी शॉर्ट स्टोरीज सो so, यहाँ पे स्टोरी बुक जो है उसमें या तो कोई लॉन्ग स्टोरी हो सकती है या फिर शॉर्ट स्टोरीज हो सकती है अ स्टोरी बुक इज फन टू रीड तो आप फ्री टाइम में स्टोरी बुक्स को पढ़ सकते हो यू विल एंजॉय इट ना लेट्स सी वॉट्स रिटन इन डिड यू नो द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बुक एवर परचेज वॉज बॉड बाय बिल गेट्स तो बिल गेट्स ने जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बुक थी उस, उसे खरीदी थी इट वॉज कोडेक्स बाय लेनार्डो डा विंसी तो डा विंसी ने उस क्या किया था उस बुक को लिखा था और खरीदा किसने था बिल विलगेट्स इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक